We will study the three important subtopics in the plant breeding, which are introduction, or better to say the first of all, the domestication one, acclimatization is the second one, and third one is the introduction. So the introduction or growing of a genotype or a group of genotype into a new place environment where they were not grown previously. Introduction, in fact, एक प्रकार से किसी प्रजाति को ला करके नए वातावरण में, environment में जहाँ कि उनको पहले कभी नहीं उगाया गया है, उस जगह उगाना introduction कहलाता है। तो ये तीन सब टॉपिक आपके फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग में बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनमें से एक है डोमेस्टिकेशन, दूसरा है एक्लेमेटाइजेशन और तीसरा है इंट्रोडक्शन। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन और ग्रोइंग ऑफ ए जीनोटाइप are a group of genotypes into a new place or environment where they were not grown previously. यहाँ आप लोग genotype से बिल्कुल भी भ्रमित न हो, मतलब इसका सीधा सीधा ये है, कोई नई variety को अगर हम नई जगह में ले आते हैं तो वो introduction है जहाँ उसको पहले कभी नहीं उगाया गया। सीधी बात होती है, जैसे आप किसी नई जगह जाते हैं, हम और आप, तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, वहाँ इंट्रोडक्शन देना पड़ता है क्योंकि हम पहली बार वहाँ आए। अगर हम दूसरी बार, तीसरी बार, अगली बार वहाँ जाते हैं तो हमें फिर इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं होती। उसी तरह से कोई वैरायटी, कोई नया जीनोटाइप या नई कल्टीवार जब हम किसी नए वातावरण में पहली बार ले जाते हैं तो उसको हम इंट्रोडक्शन कहते हैं। इंट्रोडक्शन में शामिल हो सकती है नई वैरायटी हो सकती है, या नई क्रॉप हो सकती है जो ऑलरेडी उस एरिया में ग्रो हो सकती हो लेकिन उस वो कभी वहाँ पर ग्रो नहीं की गई है ना। तो ये भी एक ब्रीडिंग की मेथड है, क्योंकि अगर हम किसी नई क्रॉप को कहीं इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या हम किसी नई वैरायटी को किसी क्रॉप के नई जगह इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो वहाँ के वातावरण के लिए या तो पहले से अनुकूलित हो, उसके अनुकूल वातावरण हो, या बाद में उसका अनुकूलन एक्लेमेटाइजेशन किया जा सके। अक्सर आपकी परीक्षा में इस पर प्रश्न पूछा जाता है और ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में चार नंबर वाला जो पार्ट रहता है, पार्ट ए कंपलसरी क्वेश्चन वन या टू, सॉरी वन ऑब्जेक्टिव टाइप है, क्वेश्चन नंबर टू में चार नंबर में इंट्रोडक्शन या एक्लिमेटाइजेशन या डोमेस्टिकेशन, इन तीनों में से कोई ना कोई एक ज़रूर पूछा जाता है। आप में से कोई ग्रुप में ये लिंक शेयर कर देगा और लिख देगा कि क्लास इज गोइंग ऑन, प्लीज अटेंड। For your information, the offline class will be held today at 12 noon in the classroom. So, no need. आज दोपहर में थ्योरी की क्लास ऑफलाइन कक्षा में होगी, तो सभी लोग सेकेंड ईयर क्लासरूम में अपनी कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित रहेंगे, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन अपन ने सीखा। अब इसका एग्जाम्पल है, जैसे हरियाणा में पहले अंगूर पैदा नहीं होता था तो वहाँ ग्रेप कल्टिवेशन शुरू हो गया, वेस्ट बंगाल में गेहूं नहीं पैदा होता था तो इंट्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन वेस्ट बंगाल, पंजाब में राइस को इंट्रोड्यूस किया गया था सबसे पहले और इरी की राइस वैरायटीज को पंजाब में इंट्रोड्यूस किया गया था। अब हम बात करते हैं कि प्लांट इंट्रोडक्शन की हिस्ट्री क्या है, ये शुरुआत कब से हुई, कौन सी प्लांट्स पहले आए, किस कंट्री में हुआ, कौन सी क्रॉप्स हुई, कौन से क्षेत्र में हुई, ये हिस्ट्री कहलाती है, इतिहास कहलाता है। प्लांट इंट्रोडक्शन का जो इतिहास है उसमें जो ऐतिहासिक फसलें हैं जिनको सबसे पहले सेंट्रल एशियन सेंटर ऑफ ओरिजिन में, अभी आपको हम सेंटर ऑफ ओरिजिन पढ़ाएंगे, नोट कर लीजिएगा अपनी रफ कॉपी में, सेंटर ऑफ ओरिजिन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब किसी फसल का एक उत्पत्ति केंद्र होता है जहाँ उसके वाइल्ड टाइप ज़्यादा होते हैं, जहाँ उसकी डाइवर्सिटी बहुत अधिक होती है। और सेंटर ऑफ ओरिजिन प्राइमरीली दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन एंड सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन।
मैक्रो सेंटर्स भी होते हैं। तो आपको ये जानना चाहिए कि मूंग, सरसों, पियर, एप्पल और वालनट, ये सबसे इनको लाया गया था सेंट्रल एशियन सेंटर ऑफ ओरिजिन से और ये हमारे क्षेत्र में उगाने लगे। ट्रैवल किया इन्होंने वहाँ से ट्रैवल करके और हमारे देश में आकर इनको हमने उगाना शुरू किया। तो ये प्लांट इंट्रोडक्शन है, ठीक है ना। सिसेमी, ज्वार, अरहर, एशियन कॉटन, फिंगर मिलेट माने रागी, तिल को, ज्वार को, अरहर को और कॉटन को और फिंगर मिलेट माने रागी को भी अफ्रीका से इनको लाया गया, इनका अफ्रीका और इनको ट्रैवल किया गया, ट्रैवल करके लाया गया इंडिया में। तो ये भी एक प्रकार का इंट्रोडक्शन हुआ। जो हमारे मुस्लिम इन्वेडर्स थे उन्होंने चेरीज और ग्रेप्स को अफगानिस्तान से लाया 1300 एडी में इंडिया में। इंडिया में 1300 एडी के पहले चेरी और ग्रेप्स नहीं होते थे, ये दो फल नहीं होते थे। इनको अफगानिस्तान से मुस्लिम इन्वेडर्स द्वारा लाया गया। पुर्तगाली लोगों ने, जो पोर्चुगीज थे, उन्होंने मक्का का इंट्रोडक्शन, मूंगफली का, मिर्ची का, आलू का, चुकंदर या स्वीट पोटैटो का, गुआवा, पाइनएप्पल, पपाया, कैसुना, टमाटर, ये सब जो तंबाकू है, ये सब जो है ये हमारे जो है पोर्तुगीज द्वारा हमारे देश में इंट्रोड्यूस किए गए थे। तो यही इंट्रोडक्शन है, आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। कुछ लोग अभी नए ज्वाइन हुए हैं, 42 क्लास स्टेंट हो गई है, पर इसमें हमें समझ में आ रहा है सिर्फ 15 लोगों को, मतलब लाइक सिर्फ 15 हैं। जितने लोगों को समझ में आ रहा है वो लाइक के द्वारा हमें क्लियर कर दें कि हाँ हम आपकी बात को समझ रहे हैं। सो 45 शुड बी द लाइक, 45 प्रेजेंस है तो लाइक भी 45 होने चाहिए। तो मैं फिर से दोहरा देता हूँ कि हम प्लांट फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग में 3 सब टॉपिक पढ़ रहे हैं जिनका नाम है प्लांट इंट्रोडक्शन, एक्लेमेटाइजेशन और डोमेस्टिकेशन। हम पहले पढ़ रहे हैं प्लांट इंट्रोडक्शन। प्लांट इंट्रोडक्शन की परिभाषा होती है किसी नई फसल या नई प्रजाति को पहली बार ऐसे स्थान में लाना जहां उसको पहले कभी नहीं उगाया जाता था, वो प्लांट इंट्रोडक्शन की श्रेणी में आता है। और उसकी हमने इतिहास देखा, इसका पहले प्लांट इंट्रोडक्शन कहाँ पर हुआ। जैसे हम अभी पढ़ रहे थे कि पुर्तगालियों ने मक्का, मूंगफली, मिर्ची, आलू, चुकंदर, अमरूद, पपाया, कैशुनट, टोबैको, इसको लाया और एक भारत में उगाना शुरू किया। ठीक इसी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, आपने इतिहास में स्कूल एजुकेशन में भी पढ़ा, ये व्यापार के लिए हमारे यहाँ आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में इसने यहाँ पर अतिचार किया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने साथ चाय लेके आई, तो इंट्रोडक्शन हुआ चाय का। लीची, लोकाट, ये चाइना से लेके आई थी, और कैबेज, बंद गोभी, कॉलीफ्लावर और दूसरी वेजिटेबल जो है वो मेडिटेरेनियन रीजन से आई थी। इसी तरीके से अनाटो और महागोनी जो है वो वेस्ट इंडीज से 18वीं शताब्दी के मध्य में अनाटो और महागोनी ये इंट्रोड्यूस किए गए थे। जो हमारे क्यू बोटैनिकल गार्डन है उन्होंने इंग्लैंड में जो वहाँ से अरेंज किया था क्विनीन और रबर ट्री का इंट्रोडक्शन, पहले ये वहाँ से कहाँ गया था, साउथ अमेरिका, और साउथ अमेरिका से ट्रेवल करते हुए ये पहुँचा था इंडिया में। तो इस तरीके से इंट्रोडक्शन की हिस्ट्री है जो आप लोगों को बड़ी अच्छे से, कुछ लोग अभी नए ज्वाइन हुए, आई एम हैप्पी कि क्लास की संख्या ज़्यादा है, फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंट्रोडक्शन की जो डेफिनेशन है वो किसी भी नए प्रकार के वातावरण, किसी भी नई फसल, नया जीनोटाइप, जो क्षेत्र के लिए नया हो भले ही पुराना हो, उसको वहाँ लाना, उस वातावरण में पुनः उगाना, ये इंट्रोडक्शन है। चाहे वो नया जीनोटाइप यानी नई स्पीसीज हो, ये हमने उसकी हिस्ट्री जानी। अब प्लांट इंट्रोडक्शन होता कितने तरह का है, बेस्ड ऑन अडेप्टेशन। अडेप्टेशन का ऐसे कहते हैं अनुकूलन, अनुकूलन का ऐसे कहते हैं जैसे आपके लिए यहाँ का वातावरण, हवा, पानी, मन जहाँ अच्छा लगता हो, खेलने खुश रहने का मन करता हो, वो हमारा अनुकूलन का स्थान है, वहाँ हम ज़्यादा अच्छे से रहना चाहते हैं। तो जब भी हम परेशान होते हैं तो वहीं जाने की कोशिश करते हैं। ठीक इसी तरीके से हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो ऐसे इन्वायरमेंट में अच्छा ग्रो करते हैं जहाँ उनके लिए वातावरण अनुकूल हो। एनवायरमेंट, पर्यावरण, चारों तरफ से उनके जो आवरण है वो एडाप्टेबल हो, वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ की सन लेंथ,
कितने दिन तक, कितने घंटों तक वहाँ सनशाइन रहता है, रेनफॉल कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है। तो ये जो एडाप्टेशन है ये कब अच्छा होगा, जब अनुकूलन उसके लिए अच्छा होगा। तो प्राइमरी इंट्रोडक्शन और सेकेंडरी इंट्रोडक्शन, ये दो होते हैं। प्राइमरी इंट्रोडक्शन का अर्थ होता है पहली बार, उससे पहले वो थी ही नहीं वहाँ, पहली बार लाना। और देखो सेकेंडरी और प्राइमरी में आज आप लोग अंतर समझ लो, किताब से शायद समझ में ना आए। प्राइमरी इंट्रोडक्शन होता है फसल विशेष को पहली बार लाना। अब मान लीजिए अपन फसल तो ले आए, अब उसमें से क्या रहता था, कुछ पौधे मर जाते हैं, कुछ वैरायटी ऐसी है जो उस फसल की अच्छी नहीं है, तो हमने क्या किया, अच्छी वैरायटी रख ली, इसको सेकेंडरी इंट्रोडक्शन कहेंगे। जो इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी है उसमें हमने सेलेक्शन कर लिया या हाइब्रिडाइजेशन कर लिया और उस एरिया के लिए सुपीरियर वैरायटी बना ली, उसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। और प्राइमरी किसे कहेंगे, जब हम कोई क्रॉप या वैरायटी को नए वातावरण में लाते हैं विदाउट एनी अल्ट्रेशन, ओरिजिनल फॉर्म में, जैसी वो वाइल्ड टाइप में थी वैसी की वैसी लाते हैं, तब हम उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी इंट्रोडक्शन। लेकिन सेकेंडरी इंट्रोडक्शन हम उसको कब कहेंगे, जब हम उसके अंदर कोई संशोधन कर लें, चाहे हम उसमें सेलेक्शन कर लें, प्योर लाइन सेलेक्शन या मास सेलेक्शन, या हम उसमें क्रॉसिंग प्रोग्राम बना के उसको थोड़ा मॉडिफाई कर दें, ये कहलाएगा सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। कभी आपसे प्राइमरी और सेकेंडरी इंट्रोडक्शन में अंतर पूछा जाता है तो आप अब आसानी से बता सकते हो, एग्जाम्पल्स और याद कर लीजिएगा, है ना। जैसे तालचुंग नेटिव 1 TN-1 TN-1 IR-8 धान की वैरायटी है, जया IR-20 IR-34 ये प्राइमरी इंट्रोडक्शन है, ये अपने देश में पहली बार आई। लेकिन रीट की वैरायटी कल्याण सोना और सोनालिका ये यहाँ पर आई नहीं थी कहीं से, आई थी यहाँ मैक्सिकन वीट वैरायटी। मैक्सिकन वीट वैरायटी में से संशोधन करके, सुधार करके, क्रॉप इम्प्रूवमेंट करके हमने कल्याण सोना और सोनालिका बनाई और यहाँ उसका, तो ये हमारा सेकेंडरी इंट्रोडक्शन कहना है। अब ये इंट्रोडक्शन का जो क्लासिफिकेशन था वो किस पर आधारित था, बेस्ड ऑन एडाप्टेशन। अब हम पढ़ते हैं बेस्ड ऑन यूटिलाइजेशन, उपयोग के आधार पर हमारा क्या क्लासिफिकेशन बनता है, ठीक है। जैसे डायरेक्ट इंट्रोडक्शन, अभी भी आप लोग 46 दिख रहे हैं और लाइक्स जो हैं वो केवल 39 है, इट मींस कि आप अटेंड नहीं कर रहे हैं कुछ लोग, है ना, और वो इसमें दिख जाएगा, आप ज्वाइन करके रख दिया है और यू आर नॉट अटेंडिंग क्लास प्रॉम्प्टली, सो मेक लाइक 47, जितने लोग प्रेजेंट हैं उतने लाइक्स भी होने चाहिए। डायरेक्ट इंट्रोडक्शन, जब कोई नई वैरायटी बिना किसी समय लिए सीधे आकर के हमारे कल्टीवेशन में आ जाती है उसको हम कहते हैं डायरेक्ट इंट्रोडक्शन। हम लाए फसल का 2 किलो बीज, बम्पर प्रोडक्शन मिला और हमने यहाँ उसका अपना बीज जो है वो 40 किलो तैयार कर लिया, समझ गए ना, बहुत सरल है। और इनडायरेक्ट इंट्रोडक्शन ये है कि जो हम वैरायटी लाए वो एकदम से तो नहीं आई वहाँ उत्पादन में, उसने थोड़ा समय लिया और समय लेकर के वो आगे बढ़ी। ये 50 की भी स्ट्रेंथ है। जरा गुड मॉर्निंग भेजिएगा, कितने लोग आ गए हैं, गुड मॉर्निंग भेजिए, गुड मॉर्निंग GM लिखिए, बस GM लिखने में कम समय नष्ट होगा और मुझे अटेंडेंस मिल जाएगी। डायरेक्ट इंट्रोडक्शन, न्यू वैरायटी टेक्स नो टाइम फॉर एस्टेब्लिशमेंट। इनडायरेक्ट इंट्रोडक्शन, जहां थोड़ा सा समय ले वहां के अनुकूलन के लिए, चलने दीजिए ये GM तो मेरे को अटेंडेंस मिल जाएगी, श्वेता विपिन का चंचल कमतुला, चलने दीजिए। एक्सोटिक वैरायटी, फॉरेन वैरायटी डायरेक्टली रिकमेंडेड फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन। जब कोई बाहरी किस्म हमारे क्षेत्र में सीधे सीधे आए और कमर्शियल लेवल पर उसका उत्पादन माने मार्केटिंग होने लगे, मंडी में जाने लगे, तब हम उसको कहेंगे एक्जोटिक वैरायटी, ठीक है। मैं समझता हूँ ये टॉपिक जो है आपको, मैंने 15 मिनट ले लिया इंट्रोडक्शन, है ना। 2 मिनट इसमें ये बता देता हूँ कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पर्पज क्या है प्लांट इंट्रोडक्शन का। तो पर्पज होता है कि नई क्रॉप प्लांट को, एंटायरली नए क्रॉप प्लांट को अपने क्षेत्र में उगा करके विकास करना, जैसे मक्का, आलू, टमाटर, तंबाकू, सोयाबीन, गोभी, सरसों, ये सब चीज़ें नई नई आई, पहले अपने यहाँ नहीं थी।
फूड प्रोडक्शन में क्रांति लाने के लिए नई HYV, HYV का मतलब क्या होता है, ये खूब टर्म आएगी पूरी डिग्री में, HYV याद कर लीजिए, HYV का मतलब भी होता है हाई यील्डिंग वैरायटी, अधिक उपज देने वाली किस्म, HYV है ना, टू सर्व एच न्यू HYV टू इंक्रूज फूड प्रोडक्शन। मैक्सिकन सेमी डॉर्क वीट वैरायटी सोनारो 64 है, लर्मा राज जो है अर्ध बोनी जो किस्म है, न तो बोनी और ना लंबी राइस वैरायटी, जिसमें TN1 है, TN1 का मतलब पढ़ा था ना अभी, ताइचुंग नेटिव 1, IR8 है, IR36 है, और एक पर्पज ये हुआ। दूसरा क्या हुआ, अगर हम मान लीजिए कोई फसल सुधार कार्यक्रम ले रहे हैं, ब्रीडिंग प्रोग्राम ले रहे हैं, कल को आप लोग डिग्री करके साइंटिस्ट हो जाते हैं और आप वैज्ञानिक बन करके कोई सुधार कार्यक्रम, क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, क्लियर नहीं दिख रहा है किसी ने लिखा है, बट आई एम मेकिंग माई फुल एफर्ट टू मेक इट क्लियर, आई थिंक, चलिए नहीं भी दिखे तो मैं आपको पूरा बता रहा हूँ, समझे भावना जी, क्या होता है, तो फसल सुधार कार्यक्रम में हमें किसी फसल को बतौर जर्म प्लाज्म के डोनर या किसी चीज के रूप में इस्तेमाल करना, एक किस्म है चने की किस्म, चने की किस्म जो है वो गर्मी में, गर्मी पड़ती तो विपरीत प्रभाव, तो एक देशी जो किस्म थी चने की वाइल्ड ग्राम, उसके अंदर रेगिस्तान में भी उगने की क्षमता थी, तो उसमें से हमने वो जीन लिया, लेकिन वो जो देशी किस्म थी रेगिस्तान वाली, उसको अपने देश में लाना पड़ा, इंट्रोड्यूस करना पड़ा, तो ये हमारी थर्ड कैटेगरी में लाएगी, टू बी यूज एज जर्मप्लाज्म इन क्रॉप इंप्रूवमेंट। पूसा रूबी टोमेटो है ना, USA से लाया गया था और इसको सियोक्स से क्रॉस किया, और सॉर्गम ग्राउंड नट, पूसा रूबी टोमेटो प्राप्त करने के लिए दो चीज़ें हमको लानी पड़ी, मैरुति और सियोक्स, और हमने अपनी क्या किस्म बना ली टमाटर की, पूसा रूबी, ठीक है। अगर मान लीजिए हमको कोई क्रॉप बीमारी और कीटों से बचाना है और उसके लिए ब्रीडिंग प्रोग्राम लेना है, तो भी हम कीट और रोग न लगने वाली कोई प्रजाति यदि बाहर से इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो भी क्या कहलाएगी, वो भी क्या कहलाएगी, देखो विवेक ने लिखा है और श्रीदेवी ने भी लिखा था कि ये बढ़ा लीजिए, ठीक है, क्वालिटी अपनी बढ़ा लीजिएगा। बायोसिस्टमैटिक्स अर्थ होता है बायोलॉजिकली क्रॉप अपने आप को नए एनवायरनमेंट में फिट करती है, इवोल्यूशन कहलाता है, ओरिजिन होता है उस का कहीं दूसरी, और ये जो सेंटर ऑफ ओरिजिन का कंसेप्ट था, एक वैज्ञानिक का नाम आप लोग टिप टू टंग माने तुरंत याद रहना चाहिए, आपकी जीभ के अगले भाग पर हो, वो है एन आई वेविलोव ही वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने सेंटर ऑफ ओरिजिन का कंसेप्ट लाया था, NI वेविलोव डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ ओरिजिन, ठीक है ना, और होमोलोगस सीरीज ला करके उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, इट वॉज NI वेविलोव, ठीक है। अब हम आपको कुछ इंट्रोडक्शन का एक टेबल दे रहे हैं, ये टेबल आप देख पा रहे हो, मैं पढ़ के बता देता हूँ, अगर स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, वास्तव में कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा, मैं सेटिंग जरा कम जानता हूँ। गेहूँ राइडली ऑस्ट्रेलिया, लर्मा राजो 64 मैक्सिको, सोनारो 64 मैक्सिको से लाया, PV18 मैक्सिको से लाया, इस तरीके से हमने गेहूँ की कुछ प्रॉमिसिंग प्राइमरी इंट्रोडक्शन किए। अगर हम जौ की बात करें, बार्ले में LSB2 USA से लाए, डोलमा USA का है, क्लिपर भी इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, राइस IR8 वॉज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम फिलीपाइंस, धान की IR8 नाम की किस्म फिलीपाइंस से लाई गई थी, IR50 भी फिलीपाइंस से लाई, मैं पूरी क्लास से पूछ रहा हूँ कि धान की किस्म में IR क्यों लगाते हैं, IR8, IR50, IR क्यों लिखा, Who will answer my question? Please let me know in your chat box. Why the varieties of paddy initiated as IR? धान की किस्मों को IR से शुरू करके क्यों लिखा जाता है, चैट बॉक्स में मुझे कोई स्टूडेंट बताए। मैंने क्लासरूम में एक कंसेप्ट दिया था आपको कि हर फसल का
ओरिजिनल जब अपन फिजिकली क्लासरूम में पढ़ रहे थे तब एक अंबिकेश्वर मिश्रा ने जवाब तो कम से कम दिया, गलत सही अपनी जगह, इरिगेटेड राइस। और कोई बताओ भाई, ट्राई तो करो, जान कुछ नहीं कर सकते, वहां को एक काम कर सकते हैं वो है कोशिश। और संजय मोहनिया ने लिखा है कि सर यहां से इनका उद्गम हुआ, जैसे नर्मदा नदी का उद्गम है ना। केशव लोधी ने लिखा इंडियन राइस है ना, ऐसे प्लीज मेक योर एफर्ट। चलिए अब नोट करिएगा, ये गूगलिंग आपने खूब कर ली, गूगलाइटिस मत डेवलप करिए, गूगलाइटिस एक बीमारी होती है। यस चंचल सावले इज करेक्ट, इरी से निकली है इसलिए हम इनको IR नाम देते हैं। इरी एक संस्था है, IRRI, इरी का फुल फॉर्म आप चैट बॉक्स में लिखिए, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपाइंस, संक्षिप्त रूप है IRRI, लॉन्ग राइस नहीं, इन्हीं का फुल फॉर्म है जो चंचल सावले ने लिखा है IRRI, इंटरनेशनल, नो केशव लोधी, इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं, इंटरनेशनल राइस रिसर्च, यस अंकित सनोडिया इज करेक्ट, इसका अंकित जी वो भी लिखे सामने, इरी का जितेंद्र सिंह, फिलीपाइंस, दिस इरी इज सिचुएटेड इन फिलीपाइंस, इट इज द इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर। और जो किसी ने इंडियन लिखा था तो भारत का राइस रिसर्च सेंटर CRRI कटक, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक, या फिर DSR हैदराबाद, डायरेक्टरेट ऑफ DRR, सॉरी डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च हैदराबाद, ये डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च, यस अंशुल भालस इज करेक्ट, इट इज सिचुएटेड इन फिलीपाइंस कंट्री इन द सिटी मनीला। ठीक है, ओके इट्स ऑल राइट, नाउ एवरीबडी गॉट माई पॉइंट। मेरा उद्देश्य केवल ये है कि कक्षा का हर छात्र जो इस कक्षा को अटेंड कर रहा है वो इस बात को ढंग से समझ जाए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ओट्स कैंट ऑस्ट्रेलिया से आया, रैपिडा USA से आई, सनफ्लावर की बात करें तो पेरेडोविक USSR, अराम विरक्की USSR, ग्राउंडनट में एसिरिया मेवेचेंडू और रेनोवट 33-1 इसराइल से, M13 USA से, सोयाबीन में जो क्रांति आई थी वो ब्रेक के कारण, और ब्रेक जो है USA से आई, ली USA से आई, और इम्प्रूव्ड पेलिकन USA से आई। अगर हम अरंडी की बात करें, कैस्टर ऑयल क्रॉप है, तो मॉथनस ड्वार्फ एक म्यूटेंट था और वो जर्मनी से आए। काउपी में EC5000 रोडेशिया से, पूसा बरसाती फिलीपाइन से, EC1077-155 USA से, मटर की कहें तो हरभजन पुर्तगाल से, राइस बीन GRRS6 USA से, टमाटर सियोक्स और लेबोनिटा USA से। आपको टमाटर का एग्जांपल मैंने पहले भी बताया था, यू माइट हैव स्टडी माय पॉइंट। अब आते हैं प्रॉम सेकेंडरी इंट्रोडक्शन, मैंने प्राइमरी बताया, पहली बार आई, सेकेंडरी माने कुछ सुधार हुआ। तो देखिए सुधार वाले में हर जगह आप क्रॉस देख रहे हैं, इसका क्रॉस इससे किया, तो फाल्गुनी हमारी थी पूसा फाल्गुनी, अब हमें इससे क्रॉस करना था तो इसको बाहर से लाए, और इससे जो नई वेराइटी बनी वो क्या है, असीम। ओकरा माने भिंडी, G2 हमारी पूसा G2 वेराइटी है, और इसके लिए हमको पूसा सावनी तो हमारे पास थी लेकिन हम EC वाली ये मैक्सिको से लाए। इसी तरीके से आप सभी फसलों में समझ लीजिएगा, घाना रेड हम जो है वो बाहर से लाए, परवनी क्रांति हमने विकसित की, पूसा सावनी हमारी थी, घाना कलेक्शन बाहर से लाए। कॉलीफ्लावर में पूसा स्नोबॉल एक वैरायटी है, पूसा स्नोबॉल डेवलप करने के लिए हम EC12012 हमारे पास थी, EC12013 ये दोनों हम बाहर से लाए। इसी तरीके से कैबेज स्क्वास पूसा अलंकार हमारी वैरायटी है, ये दोनों हम बाहर से लाए, अपने यहाँ इंट्रोडक्शन इनका क्रॉसिंग किया और ये पूसा अलंकार विकसित की। पूसा रूबी सियोक्स बाहर की है, इंक्लूड मेरुति बाहर की है, और इससे हमने पूसा रूबी विकसित की, इसके पहले की स्लाइड में भी, यस ब्रिंजल पूसा क्रांति हमारे यहाँ ब्रिंजल की वैरायटी है, इसके लिए हम पूसा पर्पल लॉन्ग तो रखते थे लेकिन हैदरपुर और वियानाड जियांड ये हम बाहर से लाए। पूसा अनमोल एक F1 हाइब्रिड है,
टर्निप, चुकंदर, पूसा कंचन इज द वेराइटी, लोकल रेड राउंड और गोल्डन बॉल है। आपकी कैरट, पूसा यामदग्नी, पूसा केसर, इनके लिए ये दोनों जो पेरेंट्स हैं ये हमने बाहर से इंट्रोड्यूस किए। चूंकि हमारा इंट्रोडक्शन जो यूज़ हो रहा है ये प्राइमरी क्यों नहीं है, सेकेंडरी क्यों है, क्योंकि इसको हमने डायरेक्टली अडॉप्ट नहीं किया, इसका यूज़ करके नई चीज़ बनाई है, इसलिए ये सेकेंडरी इंट्रोडक्शन में आता है। ये तरबूज का एग्जाम्पल दिया है, स्क्वाश का दिया है, खरबूज का दिया है, स्वीट पोटैटो का दिया है, वाटरमेलन, मस्क मेलन, ये सभी जो है इनमें हम कोई ना कोई एक या दोनों पेरेंट बाहर से ला करके हमने अपने काम के पेरेंट्स डेवलप किए, डिजायरेबल कैरेक्टर वाले। ब्रीडिंग यार बहुत इंटरेस्टिंग विषय है, अगर आप पढ़ोगे ना आपको बहुत आनंद आएगा, चाहे आप कोई भी ब्रीडर बनो, चाहे आप जो है क्रॉप ब्रीडर बनो, चाहे हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के ब्रीडर बनो, आपको बहुत आनंद आएगा। प्लांट इंट्रोडक्शन एजेंसी में ग्लोबल एजेंसी, वैश्विक स्तर पर इंटरनेशनल प्लांट जेनेटिक रिसोर्स इंस्टीट्यूट, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, IPGRI, इंटरनेशनल प्लांट जेनेटिक रिसोर्स इंस्टीट्यूट, IPGRI। इट इज़ एन ऑटोनोमस इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टेड बाई द कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च। स्वायत्त शासी संस्था है जिसका कि पूरा नाम अंतर्राष्ट्रीय पौध आनुवंशिकीय स्रोत संस्थान अर्थात इंटरनेशनल प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट है, जो IPGRI के नाम से फेमस है। ये IPGRI का मैंडेट है, मैंडेट मतलब उद्देश्य, हमारा क्या हमें प्राप्त करना है, क्या उद्देश्य है IPGRI का, एडवांस द कंजर्वेशन एंड यूज ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। चलिए इस पॉइंट को अपन समझते हैं, सभी छात्र हमारे कुछ तो समझ गए IPGRI का उद्देश्य, मूल उद्देश्य क्या है, कि जितनी भी विविधता हमारे देश में उपलब्ध है उस विविधता का उपयोग करें, उस विविधता का उपयोग करके हम अपनी वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप उस फसल या किस्म का विकास करें। यू माइट हैव गॉट माई पॉइंट, आपने मेरी बात शायद समझ ली होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि IPGRI का मूल उद्देश्य ऐसी प्रजाति का विकास करना है, काहे से करेंगे विकास, क्या यूज करके, जितनी भी विविधता पूरे विश्व में उपलब्ध है, ग्लोबल, क्योंकि ये ग्लोबल एजेंसी है, हम लोगों के एक एग्रीमेंट है कि भाई जो जहाँ से जो जीनोटाइप मांगेगा उसको दे दिया जाएगा, यूज करके हम अपने काम की चीज विकसित करें। अब आपसे कभी जीके में देखिए 11 दिसंबर को SADO का एग्ज़ाम होने जा रहा है, 4-6 दिन बाद, 1 सप्ताह के अंदर सारे छात्र उसकी तैयारी कर रहे हैं, आज यही चीज़ें पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो क्यों ना आप अभी से पढ़ें। IPGRI का हेडक्वार्टर रोम में है, रोम कहाँ है, इटली में है, और पूरे विश्व में इसके 19 कार्यालय और हैं। IPGRI का हेडक्वार्टर रोम इटली में है, याद रखेंगे IPGRI का फुल फॉर्म याद रखेंगे, IPGRI का उद्देश्य याद रखेंगे, और पूरे विश्व में 19 देशों में इसका जो है, जो नज़दीक के कुछ देशों को क्लब करके इसका हेड ऑफिस भी, और भी ऑफिस हैं, ब्रांच ऑफिसेस हैं इनकी। ये तीन प्रोग्राम चलाती है, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स प्रोग्राम CGIAR, जेनेटिक रिसोर्स सपोर्ट प्रोग्राम, इंटरनेशनल नेटवर्किंग फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ बनाना एंड प्लांटिंग INIBAP। नेटवर्किंग के बगैर कोई भी सुधार कार्यक्रम नहीं चलता, जैसे अभी मैं जिस फसल में काम कर रहा हूँ, अभी मैं जिस फसल में वैज्ञानिक हूँ, हमारी एक टीम रीवा में भी है, हमारे और हमारी जो पूरे देश में एक नेटवर्क है जिसमें 22 केंद्रों पर एक साथ ये काम हो रहा है, और वो है स्मॉल मिलेट्स एक्रिप, ए ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। ये तो मात्र एक उदाहरण है, ठीक इसी तरीके से हर फसल का एक्रिप है, नेटवर्किंग है, वो पूरे देश में एक साथ एक प्रकार की ज़रूरत के मुताबिक रिसर्च प्रोग्राम होते हैं, एक दूसरे को लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, और उसमें एग्रीकल्चर की सभी विधाएँ, 11 विधाएँ काम करती हैं, जिसमें एग्रोनॉमी, प्लांट ब्रीडिंग, हॉर्टिकल्चर, आपका पैथोलॉजी, एंटमोलॉजी, फूड साइंस, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री,
एवरी ब्रांच वर्क्स ना। हमने इंटरनेशनल तो जाना, अब हम नेशनल एजेंसी फॉर इंट्रोडक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल हमारे देश की एजेंसी NBPGR फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। अरे कोई ग्रुप में लिख के डाल दिया करो यार, ये साफ नहीं दिख रहा है। जिन लोगों को साफ नहीं दिख रहा उनकी मदद करना सीखिए, आपको तगड़ा याद होगा, रिवाइज होगा। NBPGR लिखें, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज 1976, ये नेशनल एजेंसी इंट्रोडक्शन की। आप में से कोई लिखिएगा चैट बॉक्स में, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज NBPGR 1976 नई दिल्ली में इसका कार्यालय भाई, ठीक है। और एक और संस्था है वो कहलाती है FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI, इसका संस्थान देहरादून में है और 1906 में एस्टेब्लिश हुआ था, जबकि NBPGR यस दिलखुश ने लिखा है, दिलखुश ने बिल्कुल सही लिखा है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स NBPGR, केशव लोधी ने लिखा, लेकिन दोनों ने एक गलती, नेशनल ब्रीडिंग कहाँ से ले आए भाई लोधी जी, केशव नेशनल बी की जगह ब्रीडिंग क्यों कर दिया, ब्यूरो की स्पेलिंग सनोडिया जी गलत है, अंकित सनोडिया, ब्यूरो की स्पेलिंग क्या है BUREAU, नहीं BEURO नहीं, BU, देखिए यहां पढ़िए, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज NBPGR 1976। एक अपना BSI है जो 1890 में एस्टेब्लिश हुआ था, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये सब चीजें जो याद नहीं रख पाएगा वो उसको नंबर कटेंगे जरूर, कि अब ये परीक्षा में पूछने वाली बातें हैं इसलिए कह रहा हूँ। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI 1890 में एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। अब फंक्शंस क्या है NBPGR के, अनिल डावर, ये एक तो इंट्रोड्यूस करता है, अंकित मौर्य सुनो अब, और डिस्ट्रीब्यूट करता है जर्म प्लाज्म को, अपने जिसको जरूरत चाहिए वहां से लीजिए, वहां दो दो लाइन उगाई जाती हैं और कंजर्वेशन किया जाता है ना, कंजर्वेशन क्रायो प्रिजर्वेशन तक करते हैं -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। अंकित सनोडिया ने अब पूरी बात लिखी, वेरी गुड, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज इन 1976, बहुत बढ़िया सब लिखा है, फॉरेस्ट वाला भी लिखा है। ये हमारा इंफॉर्मेशन देता है जर्म प्लाज्म पर, लगातार वहाँ से पब्लिकेशन निकलते हैं, पत्र पत्रिकाएँ निकलती हैं जिनके माध्यम से हमें पब्लिकेशन मिलता है। ये कंडक्ट करता है ट्रेनिंग कोर्स साइंटिस्ट को विद रिगार्ड टू इंट्रोडक्शन और मेंटेनेंस ऑफ जर्म प्लाज्म, क्या आप जर्म प्लाज्म का कैसे उपयोग कर सकते हैं, किस चीज़ की आपको ज़रूरत है, आपको फ्रॉस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी बनानी है, इंसेक्ट रेजिस्टेंट वैरायटी डेवलप करनी है, तो उसके लिए कौन सा डोनर, डोनर मतलब दाता, दाता मतलब जो किस्म को प्रदान करने वाला है वो कौन सा अच्छा रहेगा। राजू अस्तरे जी, राजू अस्तरे को कैसे दिखाई दे भाई बताओ, मैं तो पूरा इसमें कर दिया हूँ। नेचुरल जीन सेंचुरी, जीन शताब्दियां विकसित करना, ठीक है ना। अब आते हैं अपन प्लांट इंट्रोडक्शन के सोर्सेस क्या हैं, जो सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी है, PCSC का मतलब प्राइमरी सेंटर सेकेंडरी सेंटर, PCSC जीन बैंक, जीन सेंचुरीज, सीड कंपनीज, फार्मर्स फील्ड, यहां से प्लांट इंट्रोडक्शन किया जा सकता है। वेरी गुड भाई, जिनको नहीं दिख रहा है अंकित सनोडिया इज हेल्पिंग, उन्होंने चैट बॉक्स में लिखा है व्हाट आर इट्स फंक्शंस, इसके फंक्शन क्या क्या हैं। अब ये लिखे, अब कोई आपने से लिखिए सोर्सेज ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन, नंबर वन सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी, PCSC का मतलब प्राइमरी सेंटर और सेकेंडरी सेंटर, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, उन्होंने बहुत सही लिखा है। जीन बैंक्स, जहां जीन बैंक स्थापित हैं
वहाँ से इंट्रोडक्शन किया जा सकता है, जहाँ जीन सेंचुरी स्थापित है वहाँ से किया जा सकता है, सीड कंपनी से किया जा सकता है, फार्मर्स फील्ड से किया। आपको हमने जब फील्ड विजिट कराई थी तो हमारा एक प्लॉट जर्म प्लाज्म का लगा था, उस जर्म प्लाज्म में दो दो लाइन हमने लगाई थी, ठीक है। प्रोसीजर क्या है प्लांट इंट्रोडक्शन का, कैसे प्लांट इंट्रोडक्शन किया जाता है? सबसे पहले जर्म प्लाज्म का प्रोक्योरमेंट करते हैं, माने परमिशन लेके हम उस जर्म प्लाज्म को बुक करते हैं, इंडेंट देते हैं। इंडेंट का मतलब समझते हो, मांग पत्र। इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट एंड जेनेटिक रिसोर्स को इंडेंट माने मांग पत्र भेजते हैं, भाई हमको ये चाहिए। फिर यहाँ से चिट्ठी मार्क होगी NBPGR को, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट एंड जेनेटिक रिसोर्स को। फिर ये फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट जारी करेंगे, फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट की सैम्पलिंग होगी, फिर डिलीवरी के लिए भेजा जाएगा। डिलीवरी माने प्रदाय किया जाएगा। आप में से कोई मुझे फाइटोसैनिटरी बताए चैट बॉक्स में लिख के, फाइटोसैनिटरी का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द फाइटोसैनिटरी? एनीवन हु कैन टेल मी रिगार्डिंग द फाइटोसैनिटरी? अब इसकी हिंदी यही मान लो कि पौधे की सफाई। एक प्रमाण पत्र जारी होता है जिसको अपन फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट कहते हैं। हमें कोई जर्मप्लाज्म इटली से भारत लाना है, या हमें कोई जर्मप्लाज्म दिल्ली से जबलपुर या रीवा मध्य प्रदेश लाना है, तो हमें उसके लिए एक फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट भी चाहिए, अगर वो NBPGR के थ्रू आ रहा है तो। चलिए मैं समझाता हूँ फाइटोसैनिटरी का मतलब होता है, उसके अंदर उस जो प्लांट मटेरियल है उसके अंदर कोई बीमारी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो इस क्षेत्र में नहीं है, उसके अंदर कोई इंसेक्ट के लार्वा, अंडा लार्वा, प्यूपा ऐसे नहीं होने चाहिए जो इस क्षेत्र में नहीं है। उसको हम, ये ठीक लिखा है अंकित सनोडिया ने, सोर्सेज ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन है ना, जीन बैंक, जीन सेंचुरी, राइट। अंकित मौर्य ने इसको प्रमाणीकरण बताया है और केशव लोधी ने लिखा है पादप अवस्था, पादप स्वच्छता, तो ये इन्होंने अनुवाद कर दिया। पादप स्वच्छता का मतलब होता है उसके अंदर कोई भी रोग फैलाने वाले सोर्स नहीं रहे, इस बात का प्रमाण पत्र कि इनको जो ये बीज भेजा जा रहा है या कलम भेजी जा रही है, इस बीज कलम या फल के अंदर किसी प्रकार की रोग व्याधि नहीं है, नहीं तो वहाँ फैल जाएगी। आपको पता है ये हम आज जो गाजर घास भारत में इतनी बड़ी समस्या, ये गाजर घास भारत का नहीं है, ये कोई एक किलो बीज कहीं से लाए गेहूं का, उसके साथ में आ गया। क्वारंटीन तो आप COVID-19 के कारण अच्छे से जानते हैं कि हम किसी व्यक्ति को क्वारंटीन करते हैं, जैसे वो अगर अभी कोई व्यक्ति अफ्रीका से आया तो हम कहते हैं भाई इसके अंदर कहीं कोविड के वायरसेस ना हो, तो बोले इसको 14 दिन के लिए आइसोलेशन में रख दो अलग कमरे में, और ऑब्जर्व करते हैं कि उसके अंदर बीमारी के लक्षण तो नहीं आ रहे। ठीक इसी तरीके से जो पौधा बाहर से आता है उसको हम क्या करते हैं, अलग थलग उगाते हैं ताकि पूरी फसल में हमारे यहाँ, और ऑब्जर्व करते हैं कोई डिजीज़ तो नहीं, इंसेक्ट को नहीं। तो जब भी हम कोई नया इंट्रोडक्शन करेंगे, जर्म प्लाज्म का इंडेंट भेजेंगे, क्वारंटीन करेंगे, फिर कैटालॉगिंग। कैटालॉगिंग का मतलब क्लासिफिकेशन का एक तरीका, वर्गीकरण का एक तरीका। मटेरियल को क्लासीफाई करते हैं तीन कैटेगरी में, एक्जॉटिक कलेक्शन तो उसको EC लिखेंगे, इंडिजेनियस कलेक्शन है तो IC लिखेंगे। EC का मतलब देश के बाहर से किया गया है, इंडिजीनियस का मतलब देश के अंदर किया है, और इंडिजीनियस में अगर वाइल्ड है तो IW लगाएंगे उसके पहले। इसलिए मैं परीक्षा में आपसे पूछूंगा EC नंबर जो है उसका मायने क्या है, तो आपको जवाब देना होगा कि EC मतलब का मायने है एग्जॉटिक कलेक्शन, IC नंबर का मतलब है इंडिजीनस, स्वदेशी कलेक्शन, और इंडिजीनस में भी अगर वाइल्ड है तो IW लिखा जाएगा। फिर हम करेंगे उस जर्म प्लांट का इवोल्यूशन, इवेल्युएशन, नॉट इवोल्यूशन, इवेल्युएशन, आकलन, उसका नंबर देंगे कि भाई कोई बीमारी नहीं है, उसकी उपज क्षमता कितनी है, उसमें किस चीज़ बीमारी के लिए रेजिस्टेंस है, कौन सा कीट लगता है, इसलिए उसको इवेल्युएट करेंगे, परीक्षा लेंगे उसकी, उसको बाएंगे, उसको देखेंगे।
तत्पश्चात हम उस जर्मप्लाज्म का बहुगुणन मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और प्रॉमिसिंग इंट्रोडक्शन सिलेक्शन बेस्ड वेराइटी उसको ईजाद करेंगे डिजायरेबल ट्रेड को, और फ्यूचर क्रॉसिंग प्रोग्राम फसल सुधार कार्यक्रम में अब हम उसको उपयोग कर सकते हैं। तो ये हमारी जो है फाइटोसैनिटरी की सभी प्रकार की औपचारिकताएं। प्रोक्योरमेंट ऑफ जर्मप्लाज्म, हम किस अधिकार से किसी जर्मप्लाज्म को प्राप्त कर सकते हैं? तो देखिए, अधिकार से प्राप्त करने को हिंदी प्रोक्योरमेंट की क्या है, अधिप्राप्ति, ये लिखा हुआ है, देखिए अधिप्राप्ति, अधिप्राप्ति एज ए गिफ्ट फ्रॉम इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन। मेरा एक वैज्ञानिक, मान लो मेरा एक क्लास मेट है, जैसे आज आप लोग एक कक्षा में पढ़ रहे हैं, हम लोग एक कक्षा में पढ़ते थे, और वो क्लास मेट हमारा एड़ी में है, तो उसने कहा यार मैं, बोले मैं भी ब्रीडिंग प्रोग्राम कर रहा हूँ धान में, तो उसने कहा मैं तुमको एक डोनर दूंगा तो तुम्हारी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, तो गिफ्ट हो गया। इंस्टीट्यूशन भी देती है, इक्रीसेट है, इक्रीसेट जानते हो ना, हैदराबाद में हेड ऑफिस है। इक्रीसेट का फुल फॉर्म आप में से कौन बताएगा? ICRISAT, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। इक्रीसेट अगर कोई जो है आपका गिफ्ट, कोई जर्मप्लाज्म आपको देता है, किसको देता है? JNK BV को देता है, या JNK BV कोई इक्रीसेट को देता है, तो ये एक इंस्टीट्यूशनल गिफ्ट होगी। परचेज, कुछ प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं वो अच्छे जर्मप्लाज्म परचेज करती हैं, वहाँ बिक्री का प्रावधान होता है, उसके लिए हमें कोई कॉस्ट देनी पड़ती है। क्यों कॉस्ट देते हैं? क्योंकि जर्मप्लाज्म मेंटेनेंस में पैसे लगते हैं, इसलिए हम उसका कलेक्शन थ्रू एक्सप्लोरेशन, कोई भ्रमण पे निकला, भारत भ्रमण, एशिया भ्रमण, और उस दौरान उसे जो अच्छी चीज़ लगी वो उसने कलेक्ट की, लेकिन उसको एरोड्रम पर लाने के बाद क्वारंटीन और प्लांट क्वारंटाइन एक्ट से गुजरना पड़ेगा और उस प्रक्रियाओं को बताना पड़ेगा। प्रोपेग्यूल करके लाया जा सकता है, और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, प्लांट मटेरियल का एक्सपोर्ट जो है वो प्रतिबंधित है, उसको नियम कानून से गुजरना पड़ेगा ताकि किसी प्रकार की बीमारी उसके साथ न जाने पाए। क्वारंटीन की हिंदी संगरोध होती है, मटेरियल को आइसोलेशन में उगाना ताकि हम डिसीज स्प्रेड के लिए उसे परीक्षित कर सकें। फ्यूमिगेशन करना माने उसको धुआं देना, दूसरा ट्रीटमेंट जो भी नेसेसरी ट्रीटमेंट है वो फ्यूमिगेट करना किसी केमिकल के माध्यम से, ताकि अगर उसके अंदर कोई इन्फेक्शन है, जैसे कि आप क्या करते हैं, हम लोग COVID-19 के आदमी को पहले स्प्रे से चारों तरफ से उसको ठीक, कहीं उसकी अटैची में, कहीं बैग में कोई वायरस ना स्टिक हो, तो सब फ्यूमिगेशन कर लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट 1914, क्वारंटीन फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ प्लांट प्रोड्यूसर्स कैरीड आउट बाई डिफरेंट एजेंसी। अलग अलग एजेंसी हैं वो इंसेक्ट और पेस्ट एक्ट 1914 के अंतर्गत उसको, और क्वारंटीन एंड फ्यूमिगेशन सेंटर सी और पोर्ट्स, सी पोर्ट्स पर 8 हैं, एयरपोर्ट्स पर हैं, और एंट्री पॉइंट जितने हैं लैंड रूट के, जैसे चाइना से भारत आने के लिए, अमेरिका से इंडिया कोई फ्लाइट आ रही है, उसके अंदर कोई भी प्लांट मटेरियल है तो वो एरोड्रम पर क्वारंटीन करना पड़ेगा। ये सब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आती है कैटालॉगिंग, सूची पत्र। देखिए सूची पत्र में लास्ट में आपको हरे में वही दिख रहा है ना, ECICIW, एक्सेशन नंबर उनको दिया जाएगा, सूची पत्र, कैटालॉगिंग माने सूची पत्र, एक्सेशन नंबर दिया जाएगा, जो नया इंट्रोड्यूस मटेरियल है अगर वो बाहर से आया है तो EC नंबर देंगे, और अगर वो यहीं का है, मतलब इंडिजीनस है, अपने देश से देश में आया है, तो उसे IC नंबर देंगे, और अगर जंगली प्रकार का है तो इंडिजीनस वर्ल्ड कहेंगे, वाइल्ड कहेंगे। पूजा दीक्षित ने इक्रीसेट का फुल फॉर्म लिखा है, हैदराबाद में, यस इट इज करेक्ट, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, इक्रीसेट हैदराबाद, ओके इट्स ऑल राइट, गुड, थैंक यू। ठीक है, अब ये हमारे एक्सेशन नंबर्स हो गए, है ना। अब हम आते हैं टू असेस द यील्ड पोटेंशियल ऑफ न्यू इंट्रोडक्शन, देयर परफॉर्मेंस इज इवैल्यूएटेड। ये इवैल्यूएशन है, मूल्यांकन, जैसे हम आपको अभी पढ़ा रहे हैं, इसके बाद आपकी परीक्षा लेंगे मिड टर्म, वो क्या कहलाए,
कहलाएगा, आपका मूल्यांकन कहलाएगा, हम आपका मूल्यांकन करें। हम अंदाजा लगाते हैं, असेस करते हैं कि आप जो प्लांट मटेरियल हमने इंट्रोड्यूस किया है उसका यील्ड पोटेंशियल क्या है, परफॉर्मेंस क्या है ना। तो जितने भी NBPGR के सब स्टेशन हैं ब्यूरो के, वहाँ पर ये मूल्यांकन की प्रक्रिया पूरी होती है। तो कहाँ कहाँ NBPGR के सब स्टेशन है, शिमला, जोधपुर, कन्याकुमारी, अकोला एंड शिलोंग, ये NBPGR के डिफरेंट सब स्टेशन उपकेंद्र हैं, शिमला, जोधपुर, कन्याकुमारी, अकोला एंड शिलोंग, जिनके लिए CRRI वर्क कर रही है। जैसे राइस में CRRI कटक, सुगर केन में कहाँ पे है बताओ, गन्ने का अनुसंधान केंद्र कहाँ है, पोटैटो, टोबैको है ना, ये सब एपिफाइटिक कंडीशन में वर्क कर रहे हैं। कोयम्बटूर में है गन्ने का, थोड़ा सा लखनऊ नहीं कोयम्बटूर, ये केशव लोधी ने लिखा था, पर केशव लोधी कोयम्बटूर की स्पेलिंग COI, ये विवेक शुक्ला कोयम्बटूर की स्पेलिंग COI नॉट KOY, और इसीलिए गन्ने की जितनी प्रजातियां हैं ना आप देखना CO I am wrong, फिर से रॉन्ग, केशव रॉन्ग की स्पेलिंग WRONG और तुमने IM wrong में RONG टाइप गलत हो गया था, चलेगा। CO चंचल सावले COI नॉट COY। चलिएगा अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो लास्ट स्लाइड पॉइंट है, माने जो प्रॉमिसिंग इंट्रोडक्शन हमने किया था उसका बीज की मात्रा बढ़ानी है, वहां से तो हम थोड़ा लेके आए। गौतम पाटिल COI नॉट, इसके बाद वाई की जरूरत नहीं है। राजू अस्तरे शिमला पोटैटो इज करेक्ट, अंशुल भाल से प्रॉमिसिंग इंट्रोडक्शंस और सिलेक्शन फ्रॉम इंट्रोडक्शन, जितेंद्र सिंह यू आर करेक्ट, तो प्रॉमिसिंग जो इंट्रोडक्शन है उनको हम इंक्रीज और रिलीज करते हैं, मात्रा बढ़ाते हैं, ये क्या कहलाता है इंक्रीज और रिलीज करना, गुणन। गुणन का मतलब मल्टी, 2 के 4, 4 के 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, ये मल्टीप्लिकेशन। तो हम जो बीज लेके आए, कभी कभी हमारे पास 10 दाने ही होते हैं, उनको हमें मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना। यस आकाश सिंह चौहान बिल्कुल सही लिखा, कोयम्बटूर तमिलनाडु। तो मोस्ट ऑफ द इंट्रोडक्शंस हाउएवर आर करेक्टराइज्ड बाय डिजायरेबल ट्रेट आर मेंटेन फॉर फ्यूचर। हिंदी में जानने वाले बिल्कुल परेशान ना हो प्रेम सिंह और दूसरे लोग, तुमने भी कोयम्बटूर सही लिखा है कि जो हमारा इंट्रोड्यूस मटेरियल है वो ऐच्छिक लक्षणों से युक्त है, तो किस लेवल तक है उसको हम मार्किंग कर लेते हैं और फिर उसका क्रॉसिंग प्रोग्राम में उपयोग करने के लिए, जहाँ जहाँ उस फसल के ब्रीडर काम कर रहे हैं, क्रॉसिंग प्रोग्राम चल रहा है, वहाँ उस मटेरियल को भेज दिया जाता है रिक्वेस्ट के आधार पर, है ना, क्योंकि इंडेंट उन्होंने भेजा था, वहाँ उसको सप्लाई कर दिया जाता है। इस तरीके से आज तक बहुत सारी नई स्पीसीज जो है इसकी, इसी का अचीवमेंट है। अगर ये सिस्टम वर्क नहीं कर रहा होता तो ये अचीवमेंट प्राप्त नहीं होती। क्रॉप्स आर कल्टीवेटेड एक्सटेंसिवली, नई क्रॉप स्पीसीज बनी डायरेक्टली, कई सिलेक्शन डायरेक्टली रिलीज हुए, कई वैरायटी के सिलेक्शन में मदद मिली, हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम में जो डोनर है वो इसी इंट्रोडक्शन के द्वारा हमें मिले। अच्छाइयाँ क्या क्या हैं प्लांट इंट्रोडक्शन की, हाइल्डिंग वैरायटी डायरेक्टली भी मिली है, जैसे टमाटर, आलू, मक्का, मूंगफली, पपीता, पाइनएप्पल, राई क्रिटिकल, पेरेंट मटेरियल जेनेटिक इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के लिए मिला इकोनॉमिक क्रॉप्स का, जहां हमने डायरेक्ट उसको यूज नहीं किया, पहले वाले पॉइंट में तो डायरेक्ट यूज किया,
दूसरे पॉइंट में हमने डायरेक्ट यूज नहीं किया, आपने तो उनका यूज किया इनडायरेक्टली फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द प्रोग्राम। हमारी वेरिएबिलिटी को हमने जनरेट किया। एक पॉइंट आप सब लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, क्रिएशन ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी मस्ट है। जब तक आनुवंशिक की विविधता नहीं होगी हम सिलेक्शन नहीं कर सकते, हम क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम नहीं कर सकते। तो विविधता यानी वेरिएबिलिटी अगर कम उपलब्ध है तो हमें क्रिएट करना पड़ेगी, पैदा करना पड़ेगी। पैदा करने के लिए नए नए क्रॉसेस बनाने पड़ेंगे, म्यूटेशन कराना पड़ेगा। नेचर में नैसर्गिक रूप से वेरिएबिलिटी धीमी गति से बनती है, हमको ज़्यादा मात्रा में वेरिएबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। इसका उदाहरण मैंने आपको बताया था कि अगर हम एक अच्छा शर्ट खरीदने किसी रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान पर जाते हैं, हमें शर्ट में कितनी वेरिएबिलिटीज़ हैं, डिज़ाइन क्या है, कलर क्या है कपड़े का, कलर के बाद उसके ऊपर किस कलर से डिज़ाइन है, डिज़ाइन में स्क्वायर है ना, चौखाने वाली शर्ट कोई पसंद करता है, किसी में फ्लावर प्रिंटिंग है, किसी के अंदर दूसरे लाइनिंग वर्टिकल हैं, हॉरिजॉन्टल है, ये शर्ट में हमारे डिफरेंट कलर हैं। ठीक इसी प्रकार हमें सिलेक्शन का अवसर मिलता है, डिज़ाइन सिलने की डिज़ाइन क्या है, कॉलर कैसा है शर्ट का। ठीक इसी प्रकार दूसरी चीज़ों में भी हमें इस बात को ध्यान रखना पड़ता है। जरा अटेंडेंस देना, कौन चले गए मैं देखता हूँ। 36 है। प्रैक्टिकल क्लास 1.5 घंटे का होता है, मैंने सोचा 1 घंटे पढ़ा के आपको पूरा कर दूंगा, और 8:30 से 10 है। लेट मी नो हु आर नॉट अटेंडिंग द क्लास, लीजिए आप भेजिए अटेंडेंस प्लीज। हाँ मैं नोट कर रहा हूँ रजिस्टर में, जितेंद्र, अंकित, केशव, अंकित मौर्य, केशव लोधी, गुरुप्रसाद पांडे, अनुराग मुबेल, नेहा पटेल, अनिल डावर, अंकित सनोडिया, केशव लोधी, अंजलि नरगावे, शुभम कुशवाहा, कुलदीप ठाकुर, प्रेम सिंह, ज्ञान सिंह, मेघा कटारे, मृदुला, अनिल डा, यश प्रताप, अमृता, प्रियंका बागरी, चंचल सादले। यस प्लीज कंटिन्यू। कालीचरण अहिरवा, निशिता पांडे, समीर जैना, राजकुमार चंद्रवंशी है ना, संदीप कछिया, महिमा कटारा, श्वेता तिवारी, भूपेंद्र अस्तरे, गौतम पटेल, दिलखुश। मैं स्क्रीनशॉट दबाता जा रहा हूँ हर एक में। सोनिया दुबे, सैफाली गुप्ता, सोनिया, क्रांति अहिरवार, सोनिया दुबे, अरे सोनिया तुम्हारा हो गया दो बार, रहिंद यादव, क्या नाम है भाई तुम्हारा, रहिंद नाम से रजिस्टर नहीं है। चलिएगा, केशव लोधी, संदीप कछिया, भावना सोलंकी, आप बताइएगा कि NBPGR का हेड ऑफिस कहाँ है, वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ द नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट एंड जेनेटिक रिसोर्स, बताइए। लेट मी नो वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ NBPGR। चलिए पूजा दीक्षित, पूजा दीक्षित बताओ वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ NBPGR। सैफाली गुप्ता, लेट मी नो वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ NBPGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट एंड जेनेटिक रिसोर्स। पूजा दीक्षित, सैफाली गुप्ता, नहीं मालूम, इसलिए कह रहा हूँ अटेंटिटिवली क्लास को अटेंड करिए, 5-6 मिनट आपको और पढ़ना है। चंचल सावले रॉट द राइट आंसर बट आई एम नॉट आस्किंग यू, इट इज इन न्यू दिल्ली। मेगा कटारे आल्सो रॉट द न्यू दिल्ली। जिनसे मैंने क्वेश्चन किया था उन लोगों ने अभी तक आंसर नहीं दिया। ओके, नाउ वी कम टू द डिमेरिट्स, प्लांट इंट्रोडक्शन की डिमेरिट्स क्या है। अंकिता राय सरल, ठीक है।
वैभव पटेल, ठीक है जी। क्या होता है, खरपतवार आ जाते हैं इसके साथ, ये सबसे बड़ी खराबी है। जैसे आर्जीमोन मैक्सिकाना, इकॉर्निया, पार्थेनियम, ये सब इसी से तो आए इंट्रोडक्शन से। नए तरह की बीमारी आ जाती है, जैसे लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो यूरोप से आया, श्रीलंका से बंची टॉप ऑफ बनाना आया। याद रख लेना कौन सी बीमारी कहाँ से आई, कौन सा खरपतवार आया जो भारत में नहीं था। आर्जीमोन मैक्सिकाना, भटकटैया जिसको कहते हो, पार्थेनियम जिसको गाजर घास कहते हो, ये सब इंट्रोड्यूस हुए हैं। गेहूं में लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये यूरोप से आई। केले में लगने वाला बंची टॉप ऑफ बनाना, श्रीलंका से आया। तो ये इंट्रोडक्शन के सत्यानाशी इज द करेक्ट आंसर, अंशुल भाव से देसी जवाब लिखा उसने, सत्यानाशी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सत्यानाशी, क्योंकि खेत का सत्यानाश कर देता है, दूसरी फसल उसके अंदर पैदा नहीं होता। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पेस्ट पोटैटो ट्यूबर मॉथ, इटली से आया। नए ऑर्नामेंटल खरपतवार लेंटाना कैमारा, लेंटाना कैमारा भी इसी के साथ आया है। और इससे जो आपका प्लांट इंट्रोडक्शन है वो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस पैदा कर देता है। जैसे यूकेलिप्टस ले आए अपन भारत में, अब इकोलॉजिकल इम्बैलेंस इसने क्या पैदा कर दिया, जिस खेत की मेड़ पे लगा दो सारा पूरा पानी खींच लेता है, जितना भी पानी है वहाँ का वाटर टेबल वो बहुत गिरा देता है। हाँ, तुमने आंसर दे दिया है पूजा दीक्षित और स्वथाली गुप्ता, यू हैवंट गिवन द आंसर। मैंने तीन लोगों से पूछा था, अभी सिर्फ पूजा दीक्षित का आंसर आया है। इससे ये पता लगता है क्लास अटेंड कर रहे हो या नहीं। क्वेश्चन था NBPGR का हेड ऑफिस कहाँ है। चलिए अब ये अगला टॉपिक हम लोग कल पढ़ेंगे, ये पढ़ के रखना, अनुकूलन और डोमेस्टिकेशन। अब आपको एक्लेमेटाइजेशन पढ़ना है और इसके बाद डोमेस्टिकेशन माने घरेलूकरण पढ़ना है। आज इसको नहीं लेंगे, आज केवल जो है इसी इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर को हम लोग थोड़ा सा एक या दो मिनट और दोहराते हैं। आप एक दो मिनट में इस इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर को केवल मेन चीज़ इसकी याद रखिएगा, ठीक है। और आज की क्लास हम लोग ये वाली ख़त्म, अभी क्लासरूम में सबको मिलना है, मुझे पता है कि आप सबकी क्लासरूम में क्लास है, ठीक है। प्लांट इंट्रोडक्शन के दौरान कौन कौन सी फसलें कहाँ से जो है आयातित की गई, वो आपको पूरा इसमें बताया हुआ है, ठीक है। इसके पश्चात अडेप्टेशन के लिए प्राइमरी इंट्रोडक्शन किन किन का किया गया था, TN1 IR8 जया, IR20 IR34। सेकेंडरी इंट्रोडक्शन की किसका किया गया, सेकेंडरी इंट्रोडक्शन कल्याण सोना सोनालिका, ये मैक्सिकन वीट वैरायटी थी, ठीक है। इसी तरीके से मतलब जो प्लांट इंट्रोडक्शन है उसमें एक टेबल के फॉर्म में दर्शाया गया है, इस पर ज़रूर निगाह डालिएगा आप लोग, ठीक है। सेकेंडरी में ये बताया है किसका किसका क्रॉस करके हमने क्या उपयोग की चीज़ बनाई और उसका कौन सा पेरेंट हमने एज ए सेकेंडरी इंट्रोड्यूसर यूज़ किया, ये भी आप लोगों को भली भांति मालूम होना चाहिए। ग्लोबल एजेंसी कौन सी है, IPGRI, इंटरनेशनल प्लांट जेनेटिक रिसोर्स इंस्टीट्यूट, IPGRI। IPGRI का हेड ऑफिस कहाँ है, इटली देश में, रोम शहर में। इसके और देशों में कितने उपकेंद्र हैं, 19 उपकेंद्र हैं, ठीक है। कौन कौन से प्रोग्राम ये चला रहा है, एक चला रहा है PGRP प्लांट जेनेटिक रिसोर्स प्रोग्राम, एक CGIAR जेनेटिक रिसोर्स सपोर्ट प्रोग्राम, और एक बनाना के लिए प्रोग्राम।
यस करेक्ट, NBPGR का नेशनल एजेंसी कौन कौन सी है? तो एक NBPGR है जो 76 में बनी, एक FRI है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून जो 1906 में बनी, एक BSI है बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये जो है तीन नेशनल एजेंसीज हैं। फिर आते हैं सोर्सेज ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन, इसमें सेंटर ऑफ डायवर्सिटी, जीन बैंक, जीन सेंचुरी, सीड कंपनीज है ना, और फार्मर्स फील्ड, यहाँ से हम प्लांट इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। सोर्सेज का मतलब यही होता है भाई। फिर आता है प्रोसीजर, प्रोसीजर क्या है, विधि क्या है, पहले इंडेंट भेजेंगे, फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगे, फिर वो सैम्पलिंग डिलीवरी करेंगे, फिर वो इंसेक्ट पेस्ट के लिए है कि नहीं क्वारंटीन कर देंगे कुछ दिन के लिए, एकदम डायरेक्ट खेत में नहीं ले जाएंगे, गमले में रख करके और वो किसी आइसोलेशन में उसको आया जाएगा। फिर इसका आपका वो होगा, मटेरियल को क्लासिफाई करेंगे, IC है कि EC है कि IW है, ठीक है ना। फिर इसके बाद प्रोसीजर क्या है, यानी प्राप्ति कैसे प्राप्त करते हैं, ये दिया हुआ है, परचेज करेंगे, कलेक्शन करेंगे, क्वारंटीन कैसे करते हैं, क्वारंटीन की पूरी प्रक्रिया है, कैटालॉगिंग कैसे करते हैं, कैटालॉगिंग में EC, IC, IW नंबर क्यों लिखे जाते हैं, EC का मतलब एक्जोटिक कलेक्शन, IC का मतलब इंडिजीनस कलेक्शन, IW का मतलब इंडिजीनस वाइल्ड, ठीक है। आपके वैल्यूएशन सेंटर शिमला, जोधपुर, कन्याकुमारी, अकोला और शिलोंग में, ठीक है, किस तरीके से इनके लिए काम करते हैं, गुणन वितरण कैसे होता है, कौन कौन सी मुख्य उपलब्धियाँ हैं जो इससे हमें प्राप्त हुई हैं, मेरिट्स प्लांट इंट्रोडक्शन की क्या हैं, ठीक है। दिस इज ऑल टुगेदर। अब आपको चूंकि क्लास में जाना है इसलिए आप लोग प्रेजेंट लिख करके, और 9:50 हुआ है, जा सकते हैं। राइट डाउन प्रेजेंट, राइट डाउन प्रेजेंट इन द लास्ट ऑफ द क्लास। मैं नोट कर रहा हूं, यस यस कुलदीप, शुभम, जितेंद्र, अभिषेक, अंशुल, मोनिश बाग मारे, अंशुल, चंद्र, राजकुमार, क्रांति, दिलखुश, श्रीदेवी कौशल, आकाश, अंकित, मुसान, अंजलि, नरगावे, यश प्रताप सिंह, राजपूत, मयूर कटारा, संतोष केड़ेवाल, लक्ष्मी चौहान, सावन पड़ोले, सुरभि शाक्य, आदित्य कुमार, राजोस्त, संदीप कछिया, चंचल, मेघा प्रताप, ओके। सो नाउ आई गॉट योर अटेंडेंस, कल्याण बिरला, संजय मोनिया, यस, ओके, इट्स ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग सिंसियरली द क्लास, एंड कन्वे टू अदर colleagues also, those who are not attending the class properly, please tell them now the all the classes have been started offline, so come in the classroom, okay, now you reach to the college and we will meet in the classroom, it's all right, thank you, have a good day, thank you, have a good day. Everybody's thank you is welcome. उठे भैया आदित्य कुमार, प्रहलाद कुमरावत, गुड डे, एंड यू कैन, यू पीपल कैन लीव नाउ।
Thank you to all of you. Okay, Rishita, Pooja, Prahlad, Aditya Kumar, you all are present, I know.
कल मैं बाहर हूँ, परसों शाम को 7 बजे, परसों शाम को 7 बजे बाद में बताऊंगा क्या बात है। Thank you.